क्रिस्टल्स के बारे में है, तो सबने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सुना ही है, किसी को मालूम है कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, पर शमानिज्म के बारे में कितने लोगों ने सुना आप में से? गुड मॉर्निंग प्रेरणा, मैं सिर्फ आप सुना है कि कोई वो मतलब जानवर जानवर का कुछ एनर्जी को मतलब कुछ उसमें इन्वोक किया जाता है, उसको शमनिज्म बोला जाता है शायद, पशु ओके पक्षी जानवर ये सब हो, लेकिन हाँ हाँ ओके हाँ मैं जानता हूँ सिर्फ, मतलब किया नहीं है, मैं क्लास किया नहीं है, कोशिश किया नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा इतना सुना है। ओके मतलब आपने सुना है कि जानवरों की एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है, जानवर या पक्षी या पेड़ पेड़ और ये सब, लेकिन जी क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या पर्पस है, वो आपको पता नहीं है, है ना? राइट, जी ठीक है। और किसी और ने सुना है? किसी यस मैम, मैंने सुना है मैम। ओके, तो आपने क्या सुना है उसके बारे में? कि हम लोग जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर पशु पक्षी होते हैं उससे कनेक्ट करें, क्योंकि उनकी एनर्जी जो होती है ना कि हाई होती है, तो कोई भी हीलिंग करने में वो मतलब कि बहुत अच्छे से वो अपलिफ्ट करती है एनर्जी जो है कि पावरफुल हीलिंग ओके करने में। ओके ओके मतलब एक है कि आप उनकी एनर्जी आपसे पावरफुल है, राइट, है ना? यस मैम करेक्ट, वन वर्ड जी ये है आपका कहना। दूसरा चीज है कि वो आप हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर, राइट, जी है मैम ना? यस मैम ओके ओके, तो एनिमल और हमारा क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन है हमारा एनिमल से या प्लांट से या इस सृष्टि से ही, आई कि थिंक हम एंसेस्टर लिनिएजेस वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं हम हमारे से। ओके, मतलब कि आपको लगता है कि वो हमारे एंसेस्टर्स थे पहले यस और अब हम इंसान बने हैं, तो पहले हम जानवर थे फिर हम इंसान बन गए, है ना? जी ओके ठीक है, ओके। सो मीन्स ओवर द एवोल्यूशन जो है हमारा, जो है तौर तरीके या हमारा अपियरेंस जो है वो एनिमल से शिफ्ट हो गया है ह्यूमन बीइंग्स में, है ना? राइट, जी जैसे एनिमल्स जो है वो तो चार पैरों पे चलते हैं, हम दो पैरों पे चलते हैं, हमारे दो हाथ हैं, है ना? तो मे बी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑल्सो वी हैव एलिवेटेड, सो हम पहले झुकते थे अभी हम सीधे खड़े हो गए, है ना? राइट, पर एनिमल्स फिर भी हैं, ऐसा नहीं है कि एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं। कुछ एनिमल्स जी ऑफ कोर्स स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, कुछ स्पीशीज अभी भी हो रही हैं एक्सटिंक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ शायद फ्यूचर में नहीं रहे, लेकिन फिर भी इंसान जो है उसकी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, इंसान तो बढ़ रहा है, राइट? वट आई थिंक कि वो एनर्जी वर्ल्ड में एक अलग किंगडम है जो बहुत पावरफुल है, ऑलवेज रेडी टू हेल्प, वी शुड एनिमल किंग, कनेक्ट। हाँ एनिमल किंगडम, नॉट ओके ओके ओनली फिजिकल वर्ल्ड, इन हायर डायमेंशन ऑल्सो। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो अगर हम ये सोचें कि भगवान ने हम सबको जन्म दिया है ना, राइट, डिवाइन, जो भी भगवान बोलो, डिवाइन बोलो, या कोई है जिसने, हम सब इस धरती पर आए हैं, है ना? राइट, करेक्ट, जी एनिमल्स भी इस धरती पर रह रहे हैं ना, या तो वो धरती पर रह रहे हैं या मतलब आकाश में भी उड़ते हैं, लेकिन या पानी के अंदर हैं, लेकिन वो इस प्लैनेट अर्थ का पार्ट है, दे आर पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट ऑफ अर्थ, राइट, राइट है ना? और हम भी, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट, राइट राइट। हम में कॉन्शियसनेस है, हम में दिमाग है, हम में सोच है, हम में तौर तरीके हैं, तो क्या एनिमल्स में ये तौर तरीके, सोच विचार, कर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट, जो स्किल्स हम इतनी बोलते हैं, तो वो सब है उनमें? यस फॉर श्योर ओके, सो उनमें भी है, हम में भी है, मतलब हम में और उनमें समानता है, राइट? यस आप जब क्रिस्टल्स भी उसी तरह से आप हीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, तो इसका मतलब कि क्रिस्टल्स में भी कुछ एनर्जी है? बिल्कुल, मिनरल किंगडम पूरा हमारी हेल्प करता है। राइट हाँ, राइट राइट। सो हर कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है,
और हर किसी का इस सृष्टि पे रहने का अधिकार है, इक्वल अधिकार है, कोई किसी से बड़ा या किसी से छोटा नहीं है, राइट। भले ये अलग बात है कि हम उनको कैसे ट्रीट करें, हम ये सोचें कि गधा तो गधा होता है और वो हमसे, या कुछ जानवर हमसे कमजोर है क्योंकि हमारे पास मस्कुलर पावर है, हमारे पास पावर ऑफ द गन है, हमारे पास बहुत सी ऑटोमेटेड चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी पावर तो उनके पास है, अगर वो एक साथ एकजुट हो जाए पूरा एनिमल किंगडम या मिनरल किंगडम और सब किंगडम, तो इंसान की इतनी जरूरत नहीं हो पाएगी कि वो उनके सामने खड़ा हो पाए, राइट और नो? क्या आप, जब नेचर जब आपसे वो करता है, नेचर जब भी वॉल्केनो आते हैं, टोर्नेडोज आते हैं या बाढ़ आती है, जो भी आती है, उसमें इंसान अपने आप को कमजोर पाता है कि नहीं पाता बिल्कुल है ना, अपने आप को कमजोर पाता है, राइट। सो इसका मतलब कि देर इज अ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस्टेब्लिश हो गया कि दे आर पावरफुल, है ना, राइट, एंड दे ऑल्सो हैव कनेक्शन विद अस, उनका हमारे साथ कनेक्शन है और हम वो कनेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें आगे बढ़ना है जिंदगी, राइट। यस सो बेसिकली जो ये क्रिस्टल शमानिज्म, अब मैं बोलूंगी कि शमानिज्म क्या है। तो पहले जो आज हम ये बोल रहे हैं, पर बहुत से हम में से ऐसे लोग हैं जो इस बात को शायद स्वीकार भी नहीं करते और शायद इस चीज को मानते नहीं है कि कहीं ना कहीं जानवर हमारे से पावरफुल है या जानवर हमारे जितना पावरफुल है, क्योंकि हमने जानवरों को अपने चीजों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जब हमने उनको इस्तेमाल करना शुरू किया, चाहे वो घोड़ा हो, हाथी हो, या गधा हो, वो एक तरह से हमारा एक सर्वेंट हो, है ना। तो वी हैव अ पावर, हम उससे कार्य कराते हैं, वो काम करता है और हम उसको मजदूरी देने की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि एनिमल हमसे क्या मजदूरी मांग लेगा, या तो हम उसको खाना खिला देते हैं एट द मोस्ट, और जब उसकी जरूरत हमें नहीं है तो हम उसको मार सकते हैं। लेकिन ये विचार आज के इंसान के, ये थॉट प्रोसेस आज का इंसान का, पर जब हमारे पूर्वज, पूर्वज मतलब मैं बहुत ही पुराने पूर्वजों की बात कर रही हूँ, इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपके दादा परदादा, शायद उनसे भी बहुत हजारों साल पहले जब इंसान इस धरती पर आए थे और जब उनको मालूम था कि बहुत सी चीजें पहले उनके आने से इस प्रकृति में थी, तो उनको ये सेंस था कि ये सब चीजें उनके बराबर हैं और उनके जितनी ही उनकी अहमियत है इस धरती पर, राइट। सो भले ही मैंने एज अ खाने के लिए एक जानवर का शिकार किया, लेकिन मैं जानता हूं कि वो जानवर का शिकार सिर्फ मेरे एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती और शौक के लिए नहीं है, बल्कि एक नीड और रिक्वायरमेंट के लिए है। और क्योंकि मुझे उस जानवर का शरीर मिल रहा है खाने को, तो मैं ये कहीं ना कहीं उसका कृतज्ञ, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूं, करता हूं। और इवन ये नहीं, जो भी उस जानवर का शरीर जो मैंने उसको जो भी हंट किया है या उसका शिकार किया है, उस शरीर का और उसके हर एक अंग का मैं सही प्रयोग करूं। तो इसीलिए अगर आप पहले जमाने में देखो तो एक भी चीज ऐसे ही छोड़ नहीं देती जाती थी, फेंक नहीं देती जाती थी, उसका ऐसे ही बहिष्कार नहीं किया जाता था, बल्कि उसका सही तरह से सदुपयोग किया जाता था। अभी रिसेंटली मैं कोई पिक्चर देख रही थी, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर थी, उसमें ये पंकज जो अच्छे एक्टर हैं वो थे, तो उन्होंने वो जंगल में जाते हैं और वहाँ पे आई थिंक शे उनके उनके उसमें कुछ वो होता है कि वो स्कीम लेना चाहते हैं जिससे कि जंगल के जो एनिमल्स हैं अगर अगर शिकार करें या आपके विलेज पे अटैक करें तो आपको इतना करोड़ इतना पैसा, 20 लाख शायद गवर्नमेंट देगी ऐसे करके। तो उनका बहुत गरीब गांव है, तो वो सोचते हैं कि ये इस तरह से मैं अगर करूंगा तो मैं अपने आप को ऑफर करता हूँ शेर को। तो वो शेर को ऑफर करने के लिए जंगल में जाते, वहां पे उनके सामने एक टाइम आता है जब शेर आता है और शेर सामने बैठा है। सो वो जो शेर है वो ह्यूमन बींग्स का शिकार नहीं करता है, ह्यूमन
उसको मारता नहीं है, उसका ये असूल नहीं है। तो और जो उनके साथ पोचर होता है वो उनको ये बोलता है कि ये शेर आपको नहीं मारेगा क्योंकि उसका ये तरीका नहीं है। दूसरी चीज, वो अभी भूखा नहीं है इसके लिए वो आपका शिकार नहीं करेगा। तो आप देखो, एक इंसान और एक जानवर, जानवर जब भूख लगी तो ही खाता है, जितना चाहिए उतना ही खाता है। इंसान भरपूर खाता रहता है, कभी भी खाता रहता है, कभी भी अपने पेट को भर सकता है चाहे उसने ऑलरेडी खाना खा लिया, राइट? दैट इज द टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ओके, सो एनीवे वी विल नॉट गो इनटू द फिलोसफी, लेकिन व्हाट आई वांट टू से बाय दिस इज कि पहले जमाने में जो लोग होते थे दे वर अवेयर कि हर एक में कॉन्शियसनेस है, हर एक में अवेयरनेस है, एंड एवरी बींग वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज इम्पॉर्टेंट, हैज वैल्यू, इज कनेक्टेड, एंड वी बिलोंग टू द कनेक्टेड वेब ऑफ लाइफ। दैट वॉज द स्पिरिट ऑफ मैन। ओके, ओवर द पीरियड धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े, तो हम इसीलिए पहले जमाने के जो लोगों के ट्रेडिशंस होते थे, उनके रिचुअल्स होते थे, उनके सेरेमनीज होते थे, दे यूज टू बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दीज एनिमल्स। ओके, अब उस समय में एक जना होता था, जैसे कि इश्यूज आज ही नहीं है, इश्यूज उस समय भी होते थे, हो सकता है इश्यूज के तरीके और जिस तरह के इश्यूज होते थे वो अलग तरह के थे। तो डॉक्टर्स तो तभी थे नहीं, मेडिकल साइंस वॉज नॉट देयर, राइट? मेडिकल साइंस तो बहुत बाद में आई है, पर उस समय भी उपचार होते थे, उस समय भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते थे, उस समय भी चीजों के ऊपर काम किया जाता था। तो ये कौन करता था? ये होता था शामन। शामन इज अ पर्सन हु इज लाइक अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, अ पर्सन हु कुड डायग्नोस, अ पर्सन हु वाज अ काउंसलर, अ पर्सन हु अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड ही कुड हेल्प द कम्युनिटी, द ट्राइब। ओके, अब वो कैसे हेल्प करते थे उस समय? तो जो आपने पहला स्टार्टिंग में बोला कि पावर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, इन सब का इस्तेमाल वो करते थे, इनसे वो नॉलेज अक्वायर करते थे, और वो अलग अलग जगह पे जाते थे। अलग अलग जगह का मतलब जर्नी, नॉट इन द रियल वर्ल्ड, इन द अदर वर्ल्ड जिसको हम शामन रियलिटी बोलते हैं, जहां पर जो चीजें हमारी आंखों से आज हम नहीं देख सकते वो चीजें वह समझ सकते थे, टू व्हेन दे रीच दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, तो उस हिसाब से इस धरती को या इस मंडल, भूमंडल को, भूमंडल नहीं बोलेंगे, ऑफकोर्स धरती तो नीचे है, लेकिन अगर आप पूरे हेमिस्फेयर इसको आप थ्री रेल्म्स में डिवाइड कर सकते, तो इसमें अपर है, लोअर है और मिडिल वर्ल्ड है। मिडिल वर्ल्ड है जो जहां हम सब रह रहे हैं, और हमारे से ऊपर अपर वर्ल्ड है, और नीचे भूमंडल जो पाताल लोक है वो लोअर वर्ल्ड है। तो वो ये वर्ल्ड्स में जर्नी करते थे, एंड थ्रू जर्नी मतलब दे यूज टू गो इन ट्रांस, और वो यहाँ पर ट्रैवल करते थे विद बीइंग हियर ओनली। ये नहीं कि वो डक करके नीचे घुस जाते थे या वो उड़ के वहां पहुंच जाते थे, नहीं, लेकिन यहाँ बैठे बैठे ही वो उस मेडिटेटिव स्टेट में जा पाते थे, जिससे कि वो कनेक्ट कर पाते थे वहां की एनर्जीज, और उसके लिए उनके सहयोगी होते थे पावर एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, ये सब भी उनको, बिकॉज इन सब के पास मेडिसिन है। हमें मालूम है कि एनिमल्स जो हैं या प्लांट्स जो हैं, ट्रीज हैं, देर इज लॉट ऑफ, आजकल तो बहुत ट्री लाइफ की, प्लांट्स के जो मेडिसिन वैल्यूज हैं वो सबका बहुत ज्यादा बोलबाल है सब जगह पे, एंड पीपल आर यूजिंग देम फॉर ट्रीटिंग देमसेल्फ। तो वो इनके थ्रू जो, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ द एनिमल्स या स्पिरिट गाइड्स, वो ये चीजें परफॉर्म करते थे, जिससे कि जिसमें कि अलग अलग चीजें थी। कभी कभी वो खुद जानवर बन जाते थे, कभी जानवर उनके अंदर आ जाता था, कभी दैट इज कॉल्ड एज अ शेप शिफ्टिंग, या कभी कभी उनमें ऐसी चीजें थी जिससे कि वो आकाशिक रिकॉर्ड्स भी एक्सेस कर सकते थे, एंजल्स को मिल पाते थे, एंसेस्टर्स को मिल पाते थे,
और उनसे जो उस पर्टिकुलर इंसान को कोई प्रॉब्लम है जो जिसने उनको व्यक्त की है, उसका क्या सोल्यूशन कैसे मिले, किस तरह से उसको हो, वो वहां पे खोज के और वो मेडिसिन उसको देते थे या उसका पूरा उपचार होता था। सो दिस इज व्हाट द वर्क वाज ऑफ शाम। अब ये क्रिस्टल शामनिज्म क्या है? ओके, सो क्रिस्टल शामनिज्म इज बेसिकली जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाए, मतलब आप भले ही पावर एनिमल्स को इस्तेमाल कर रहे हो, आप टीचर प्लांट्स ट्रीज को भी इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन क्रिस्टल को भी इस्तेमाल कर एज अ हीलिंग प्रॉपर्टी। तो दिस कोर्स इज नॉट फॉर टीचिंग यू अबाउट क्रिस्टल्स कि भाई ये क्रिस्टल्स की ये क्वालिटी है, इसकी ये क्वालिटी, ये ऑफकोर्स वो आएगा उसके अंदर, लेकिन इट इज हाउ एज अ शामन यू विल यूज इन योर डिफरेंट विजुअलाइजेशन मेडिएशन मेडिटेशन एक्सरसाइजेस, क्योंकि उनके जो ट्रैवलिंग जो भी वो कार्य करते थे उसमें मेडिटेटिव स्टेट या ट्रांस स्टेट जो इस्तेमाल होता था उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे इन क्रिस्टल्स। और अलग अलग तरह की बहुत सारी चीजें हैं जहां जहां शामन जा सकते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि लोअर वर्ल्ड है, मिडिल वर्ल्ड है, अपर वर्ल्ड है, उसी तरह से उनका कनेक्शन हर एक चीज के साथ, चाहे वह मून है, सन है, चाहे हमारे पांच तत्व हैं, चाहे वह एंसेस्टर्स हैं, चाहे वह हमारे शैडो सेल्फ है, वो सब के सॉल्यूशंस को खोजने के लिए ये क्रिस्टल्स को अलग अलग तरह से कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और पूरा एक ट्रांसक्रिप्ट कैसे आप वो करेंगे परफॉर्म, और फिर वहां पे आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, और वो एक्सपीरियंस से आपकी हीलिंग होगी, उसके अलावा आपके जो भी क्लाइंट्स हैं या जिन जिनों जिनको आप जानते हैं, फैमिली मेंबर्स हैं या जो भी हैं, उन सबकी भी हीलिंग। सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इन क्रिस्टल शामनिज्म। सो सबको कुछ आइडिया लगा, कुछ समझ में आया, ऑल्दो मैंने अभी तक ट्रांसक्रिप्ट भी